नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आज हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे और आप सभी जानते हैं जैसे हम कोई दुकान गए वहां पर हमें कोई पुस्तक जो है 500 रुपये में मिल रहा था उसमें 15% का डिस्काउंट है तो डिस्काउंट कैसे निकाले, और जैसे हम परीक्षा में पास होते हैं तो हमें अपना प्रतिशत निकालना होता है तो इस प्रकार के प्रतिशत को भी कैसे निकाले। यहां पर मैंने कुछ विशेष प्रश्न भी लिख रखा है जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए 400 का 30% का 20% निकालना है, मतलब प्रतिशत का प्रतिशत निकालते जाना है तो वो कैसे करेंगे। यहां पर देखिए 540 का कितना परसेंट, यहां पर कितना प्रतिशत 27 होगा ऐसा पूछ दिया है, तब हम क्या करेंगे। लेकिन इस प्रकार के प्रश्न को देखिए जिसमें 240 का सिंपल सा 12% कितना होगा ऐसा पूछा गया है, और यही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रकार का जो उपयोग है हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होते रहता है। जैसे हम कोई दुकान में गए कुछ सामान खरीदे वो बोलता है कि 12% छूट है, 15% छूट है, 10% छूट है, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सरल सा वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं और ये बेसिक तरीका बता रहा हूं, इसलिए तीनों प्रश्न बहुत ही शानदार है। देखिए अगर हमें 240 का 12% निकालना है कितना होगा, बड़ा सिंपल सा है। आपको एक चीज पता होना चाहिए, जैसे मुझे 240 का 12% निकालना है तो गणित की भाषा में का मतलब आपको गुणा समझना है ना, ये तो जानते ही हैं। तो 240 का 12, ये देखो 12% और प्रतिशत का मतलब हम क्या लिखते हैं हमेशा, बटे में 100। ये हो गया आपका उत्तर। उत्तर कब हो जाएगा, बस इसको आपको क्या कर देना है, हल कर देना है। तो 0 तो 0 से कट जाएगा जी। अब आपके पास क्या बच गया, 12 को गुणा कर देंगे इनसे, 12 चौक 48 का 8 हो जाएगा, हासिल कितना बच गया 4, 12 दूनी 24, 24 और 4 कितना हो गया 28 हो गया। लेकिन नीचे भी देखिए बचा हुआ है 10, तो इनको भाग देना है, और 10 से किसी भी संख्या को भाग देना बड़ा आसान होता है। जितने जीरो होते हैं उतने अंकों के बाद उधर से इकाई साइड से दशमलव लगा दीजिए, तो यहां पर दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया 28.8। मतलब 240 का 12% कितना होगा। अब ये रुपए है, पैसा है, क्या है, उसके आधार पर आप इसकी इकाई को यहां पर लिख सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप सभी जानते हैं कि सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार के प्रतिशत निकालना पूछा ही जाता है और ये बेसिक तरीका है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहां पर देखिए अगर मुझे 540 का कितना प्रतिशत 27 होता है ये निकालना है, तो मैंने आपको एक बेसिक चीज बता रखा है, जितना प्रतिशत निकालना होता है उसको हमें क्या करना होता है, मानना होता है। जैसे मुझे पता है कि 540 का कितना परसेंट, तो यहां पर कितना इसको मैं क्या मान लू, 100% अगर मैं मान लेता हूं, ठीक है, तो इसको हल करने का तरीका तो मुझे पता है 540 का, और का को मैंने अब भी बताया है गणित में का मतलब गुना। तो 540 का कितना प्रतिशत लिखा है, हमने उसको मान रखा है x, और मैंने बताया है x प्रतिशत लिख रहे हैं। देखिए कितना की जगह हमने x लिखा, प्रतिशत की जगह प्रतिशत लिखे, और प्रतिशत मतलब होता है बटे 100, मतलब यहां पर हम कर देंगे बटे 100। फिर बराबर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 27, मतलब ये पूछा है कि ये जो 27 है वो 540 का कितना प्रतिशत है, तो हमने x प्रतिशत मान रखा है। अब हम जानते हैं हल करने का एक बड़ा शानदार तरीका होता है, जीरो को तो जीरो से कटा देंगे ऊपर नीचे है तो, और x का जो मान निकालना है तब इधर जो संख्या हर में होता है वो दूसरे पक्ष में जाता है तो अंश में हो जाता है, मतलब वो अंश में जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो देखिए x का मान निकालना है तो इधर तो मेरे पास 27 है, 27 है, ये 10 नीचे में है, शून्य कट गया है, 10 नीचे में है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10, ऊपर में गुना हो जाएगा, ये केवल 54 बचा है, ये आपने 54 को लिख दिया। अब इसको आप हल कर सकते हैं, चाहे तो इसको पहले गुना करके हल करें या डायरेक्ट हल करें। चलो मैं इसको हल करता हूं, इसको मैं भाग दे देता हूं 9 से, कितना हो जाएगा 9 6 54, इसको हम भाग देंगे 3 से, 9 3 27। अब देखिए यहां पर 3 है लेकिन यहां पर 6 है, अब ये छोटा हो गया बड़ा हो गया, लेकिन ये 10 बचा है भाई, 10 के साथ इसका गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 10 3 30 बटे 6। अब 6 5 30, इसका मतलब ये है कि 540 का 5%, यहां पर लिखा है ना x का मान कितना आया, 5 आया, मतलब 540 का 5% यदि हम निकालते हैं तो वो कितना आना चाहिए था, 27 आना चाहिए था, क्योंकि हमने यहां पर देखिए x का जो मान निकाला है वो 5 निकाला है, मतलब 5%। इसका मतलब ये है यदि मैं 540 का 5% निकालू, देखो कितना प्रतिशत, 5% निकालू, 5% मतलब 5/100, तो कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। अगर आ रहा है तो हमारा उत्तर सही है, करके देख लेते हैं।
शून्य को शून्य से कटा दिए, कटा दिए। चल इसको क्या करेंगे हम, इसको भाग देंगे तो पांच एक कम पांच, और ये कितना हो जाएगा, पांच दुनी दस। अब ये चौवन है, इसको दो से भाग देंगे, दो एक कम दो, दो दुनी चार, कितना बच गया, एक, दो सत्ते चौदह, ये देखो कितना आ गया, सत्ताईस। मतलब आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ रहा होगा कि हम प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। अब देखिए एक बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, इसको हम हल करते हैं। दोस्तों मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कल ही, जी हाँ दोस्तों कल ही मेरे चैनल में 1,00,000 सब्सक्राइबर हुए हैं, और मुझे पता है कि आप लोग बहुत खुश हो और मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारा जो परिवार है, मेरा केवल चैनल नहीं हमारा जो परिवार है वो 1,00,000 हो गया है। तो आइए दोस्तों अब इस प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और यूं ही आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, जब भी कोई इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए जिसमें प्रतिशत ऐसा निकालने के लिए कह दिया जाए, वो आगे और बढ़ सकता है। हाँ, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक शानदार प्रश्न है जिसका उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न होगा, यहां पर देखिए मुझे 400 का 30% फिर उसका 20% निकालना है, आंसर कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए मैंने बता रखा है 400 का, आपको का मतलब क्या होता है जी, गणित की भाषा में गुना होता है, फिर 30% और प्रतिशत का मतलब मैंने अभी बताया है बटे 100, ठीक है। फिर यहां पर फिर का लिखा है, का मतलब तो गुना, उसके बाद यहां पर 20% लिखा है, 20% इसका मतलब बटे तो 100 होता ही है, ये लिखिए। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपल से हल करना है, जो भी आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखो एक शून्य को एक शून्य से कटा दिए, एक शून्य को एक शून्य से कटा दिए, तो हमारे पास यहां पर 100 बचा हुआ है, तो इस जीरो को इस जीरो को इस जीरो को इस जीरो को, मतलब यहां पर जीरो है इसलिए दो जीरो है, तो दो जीरो को कटा दिए। आप लोग ऊपर और नीचे में जीरो की संख्या को देखकर कटाइएगा, क्योंकि कई बार जीरो अगर कम हो ऊपर में तो आप डायरेक्ट नहीं कटा सकते, तो हमने देख लिया नीचे में और ऊपर में, एक दो तीन चार जीरो था, तो एक दो तीन चार जीरो कटमट हो गया। अब आपको क्या करना है, नीचे में तो केवल एक बचा है, तो चार का गुना करेंगे तीन से, तीन का गुना करेंगे दो से, मतलब गुना, तो चार थे 12 और 12 दुनी 24, ये हो गया। तो 400 का कितना, 400 का 30% फिर उसका 20% कितना होगा, ये 24 होगा, और यही आपका आंसर है। मैंने बोला था आपको एक प्रश्न पूछने वाला हूं, वो प्रश्न क्या है ध्यान दीजिए, यदि यहां पर मैं प्रतिशत को 15 कर दूं और यहां पर प्रतिशत उसको मैं 25 कर दूं, तो ठीक है इसको भी हम चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 500, मतलब 500 का 15% का 25% कितना होगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और मुझे पता है कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसे ही गणितज्ञों की भरमार है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों का कमेंट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो नीचे मेरा चैनल को लोगों दिखाई दे उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बगल में दो शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार वीडियो है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।